भी आज अगरिया समाज के जो आप लोग जो गुरु हैं, सभी लोगों को मेरे तरफ से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं समाज से अभी नया नया मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे उतना ज्यादा मालूम नहीं है, और आप सब से सीखने का मौका मिल रहा है मेरे को। और इस तरह से ये पहला मीटिंग है तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अपने तरफ से जोड़ने का प्रयास करूंगा। साथ में यहाँ जितने भी अगरिया समाज के जो सभी लोगों को बताए उनका भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। साथ में यहाँ पर सभी राष्ट्र अगरिया समाज के राष्ट्र लेवल में काम कर रहे हैं, हमारे मेरे तरफ से बहुत ही उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि समाज के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं और हम भी आप लोगों के साथ में, हम भी साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर मैं इतना ही कहूंगा, और वीडियो आज हमारे पास लाइट नहीं है इसलिए मैं वीडियो में नहीं आ पा रहा हूँ, बाकी अगले कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मैं बिल्कुल वीडियो में आऊंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर सर। मैं आपको कुटुंब ग्रुप में, मैं आपसे वैसे परिचित भी था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप सभी को परिचय दें, अपना सभी को ही आपसे अवगत हों, और मुझे बेहद ही खुशी हुई इस बात की कि आपने अपना विचार को सभी के साथ रखा। आदरणीय सर, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो गरिया समाज संगठन भारत है, संपूर्ण भारत का एक मंच है। हम चाहते हैं कि हम सभी एक मंच में आएँ और एक मंच में आकर हम अपने समाज के लिए उस मतलब परिणाम को प्राप्त करें जिस परिणाम की हम अपेक्षा या सदियों से करते आ रहे हैं। थैंक जी, तो इसी यू सर। जी, थैंक यू सर। इसी अपेक्षा के साथ इस मंच को सम्मानित साथियों, हम सभी ये मिलकर के इसको तैयार किए हैं, और अगर जब तक हमारे इस भारत के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ अगर यह आदिवासी अगर इस मंच के साथ नहीं जुड़ता है तो ये मान लीजिए कि आपका उद्देश्य सफल नहीं है। इसके लिए हमको पूरा प्रयास करना है और इस संगठन को घर घर तक पहुंचाना है। हम भले ही न पहुंचे लेकिन हमारा संगठन पहुंचे। हमको इस उद्देश्य और मकसद और इस विचारधारा को लेकर ही चलना है कि हमको इस संगठन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारी पहली विचारधारा और पहली प्राथमिकता हमारी यही होनी चाहिए, क्योंकि आप इस संगठन को जितना ज़्यादा हाईलाइट प्लीज करते सर, प्लीज हैं। सर। जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुंदर सर का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में यूपी से, उत्तर प्रदेश से अजय अगरिया जी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि अजय भैया अपने आप को अनम्यूट करें, किसी खास काम में व्यस्त होंगे पर मीटिंग में जरूर जुड़े होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए अब मैं हमारे सरगुजा जिला से ही भैया को आमंत्रित करूँगा। हाँ सर, आप ही को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अपने आप को अनम्यूट करें, क्योंकि आपने कवित्री देवी के नाम से मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आप अपने आप को अनम्यूट करें और सभी को आप ये बता दें कि आप कवित्री देवी नहीं हैं, आप दूसरे हैं, और सभी को अपना परिचय देते हुए सभी को के साथ अपने विचारों को शेयर करने का कष्ट करें। आदरणीय सर, आप सभी अगरिया बंधुओं को मेरा नमस्कार, गुरुजनों को भी प्रणाम मेरी तरफ से। पर मैं इस समाज में ज्यादा दिन से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बट आप लोगों से जो भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सुन के जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे समाज में आखिर है क्या, समाज का प्राचीन इतिहास क्या रहा है। और रही बात, सर यहाँ पे एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आज मीटिंग में बहुत कम लोग यहाँ पे मौजूद है, और जैसे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, 3 दिन अगर हम सिर्फ 3 लोगों को ही बात करते हैं सर, इस मीटिंग में ग्रुप में जुड़ने के लिए, अगर या समाज के संगठन में जुड़ने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि सर अगर हम पूरी तरह से अगर सिर्फ 3 दिन हफ्ते में ही किसी एक एक बंदे मतलब 3 लोगों को ही सिर्फ ज्वाइन करते हैं सर, तो 1 महीने में हमारे ग्रुप में 4,000 लोग जुड़ जाते हैं। वो उसका फार्मूला है सर, वो फार्मूला भी बता रहा हूँ सर, कि अगर हम फर्स्ट दिन एक बंदे से ज्वाइन करते हैं, एक बंदे से मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई ग्रुप के बारे में बताते हैं, अपने संगठन के बारे में बताते हैं, और बोलते हैं कि आप भी आना मीटिंग में, और जो नए बंदे आपसे मिलते हैं कम से कम एक बंदे को आप भी लेके आना। तो पहले दिन हम दो हो जाते हैं सर, एक के नए के साथ, और हम दोनों दूसरे दिन जब नए लोगों को, दो नए लोगों को जोड़ते हैं, 4 हो जाते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64,
64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से फिर 2048, 2048 से 4098, सीधे मतलब 12। अगर पर्सनली हम देखें सर तो सीधा 12 लोगों से हमने मुलाकात किया, 12 लोगों को आमंत्रित किया इस ग्रुप में अगरिया समाज की मीटिंग में जुड़ने के लिए। लेकिन अगर हम डेडिकेशन के साथ, सारी जिम्मेदारी के साथ, अगर हम सभी बंदे, एक एक बंदे को भी अगर लाने की कोशिश करें तो एक महीना में हमारे ग्रुप में सर अगर 4000 लोग जुड़ते हैं, 4000 लोग जुड़ने के बाद भी अगर नहीं भी है तो सर 50 लोग से कम मीटिंग में नहीं आते सर, गिरे हालत में सर। बिल्कुल, लेकिन हम सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा सर, राइट, एक एक नए बंदे को हमको बताना पड़ेगा। बिल्कुल, और यहाँ पे विडम्बना ये है सर कि आज के डेट में जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल बच्चे लोग पकड़ते हैं, बच्चे लोगों को मैं सर कई लोगों को मीटिंग में मतलब ग्रुप में जोड़ा, पर क्या होता है कि ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अभिभावक में मोबाइल पकड़ते नहीं है, बच्चे लोग पकड़ते हैं और उन लोग ग्रुप का महत्व नहीं समझते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उन लोग गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, वीडियो देखना, मस्ती करना, ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ग्रुप में जोड़ देने पर भी ग्रुप से लेफ्ट हो जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध सर, हमारे सुबोध भैया ने अभी बहुत ही अच्छा शानदार विचारों का अभी आपके सामने रखा, और मेरा मानना है कि बहुत ही शानदार बात कही है उन्होंने कि डुप्लीकेशन हमको करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक हम एक दूसरे के साथ चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी लोगों में जागरूकता नहीं आएगी और लोग संगठन के साथ जुड़ेगी नहीं। जैसे कि उन्होंने बताया कि बच्चे लोग मोबाइल रखे रहते हैं और बच्चे ग्रुप के महत्व को नहीं समझते हैं और वो ग्रुप से लिफ्ट मार देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, कई जगह बात करने पर यही बिल्कुल स्पष्ट पता चला कि नहीं मैं तो मोबाइल रखा नहीं था, मेरी बेटी रखी थी या मेरा भाई रखा था, मेरी बहन ऐसे करके, या मेरा बच्चा रखा था तो उसने लिफ्ट कर दिया ग्रुप से, कुछ इस तरीके का बात सामने आता है। बिल्कुल सत्य बात है, कोई संदेह की बात नहीं है, तो इसके लिए हम सभी को प्रयास करना है। आज अगर हमारे समाज में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 4-5 हज़ार तो एंड्रॉयड मोबाइल होगा ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में 4-5 हज़ार होगा अगर कहें तो, यानी हमारी संख्या अगर या आदिवासियों की संख्या भी माने अगर कम से कम तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला के 20-25 हज़ार तो होगा ही करेगा, मान लीजिए ना होगा तो कम से कम अपन तो ये गिनती कर ही लेते हैं, उसमें से एंड्रॉयड मोबाइल वालों की संख्या मान लेते हैं कम से कम 1500 तब भी मान लें, 1500 से 2000 तब भी मान लें, गिरे हाल में मान लेते हैं, है ना। तो हमको यही प्रयास करना है कि अगर हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो हम सभी को इस मंच पर लाने का प्रयास करें, इस कॉन्फ्रेंस में लाने का प्रयास करें। बहुत ही जल्द आपके बीच में सरगुजा से ही कामेश्वर अगरिया जी भी उपस्थित होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में, और ये सारा जो अथक प्रयास चल रहा है सरगुजा जिला को बहुत ही जल्द इस संगठन में, हम चाहते हैं ये संगठन में एक बेहतर जिलाध्यक्ष, एक लीडरशिप ले करके वहाँ से हमारे साथ में जुड़ें, इस अगरिया समाज संगठन भारत के साथ जुड़ें, जिससे एक पायदान, एक सीढ़ी और ये समाज संगठन ऊपर चढ़ जाए, फिर इसके बाद सरगुजा से हम आगे का प्रयास करेंगे। अभी हमारा फोकस केवल बिलासपुर और सरगुजा है छत्तीसगढ़ से, केवल आज करीब 5 महीने से है, यकीन मानिए कई जगह कई लोगों से बात कर चुके थे इस मामले को लेकर के, सरगुजा 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 बिलासपुर बिलासपुर, लेकिन जब से सुबोध सर, जागेराम सर की उपस्थिति हुई है और कामेश्वर जी से हुई है सर के माध्यम से, तो और अब तो कोई शक की बात ही नहीं है, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता आ चुके हैं, तो आपके वजह से एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र आप लोग अपने ब्लॉक स्तरीय मीटिंग करके और एक जिला अध्यक्ष का चयन करके एक समिति का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सम्मानित साथियों, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे बीच में अजय भैया हैं, मैं चाहूँगा एक बार और उनको पुकारना चाहूँगा। अजय भैया, अगर मेरी आवाज़ यूपी तक जा रही है तो कृपया आप अनम्यूट करें अपने आप को। अजय अगरिया जी, उत्तर प्रदेश। चलिए, मेरी आवाज़ लगता है अभी छत्तीसगढ़ जसपुर तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश है ना, बलरामपुर का बॉर्डर है, सोनभद्र जिला से बात कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में अब जानते हैं मैं किन किन को आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में आदरणीय सोहरी मैम उपस्थित हैं, महिला लीडर,
हम चाहेंगे कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज केवल सुनने के लिए बैठी हूं मैं। नहीं आज ही तो बोलना है मैम। आज केवल मैं सुनना चाहती हूँ सर। जी आज सब आज कोई सुनना केवल चाहते मैं हैं, सुनना चाहती हूँ। आज सभी लोग सुनना चाहते हैं मैम, तो फिर सुनाएगा कौन? नहीं आज बस सुनना चाहती हूँ मैं। चलिए चलिए चलिए, आपके विचारों का भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार बात आपने कह दिया कि आज मैं सुनना चाहती हूँ। तो आप सुनाएंगे हमारे जगे राम सर, जो बिल्कुल स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगा सर, कि मैडम ने तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप सब सुनाने के लिए तैयार हो जाएं। आपको आमंत्रित करूंगा सर, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें सर। हेलो जी सर, स्वागत है सर। हेलो जी, आप सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता गुरुजनों, सभी जिला के अधिकारी कर्मचारी सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम है। जी सर, अब मैं भी वही स्थिति में हूँ, आज सुनने के मूड में। जैसे आप क्या क्या बताऊँ, आप सुनने के मन में ही हूँ क्या? आज जैसे आपके, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ जी, मैं अपने संगठन और साथियों के दुख से मैं दुखी हूँ जी। इसलिए आज मैं सुनना ही चाहता था कि जहाँ तक हो सके कुछ समझा बुझा जाए दूसरे से। वास्तव में छोटा सा, जैसे मैं, आपने संगठन में लोगों को कैसे मोटिवेशन दें, दूसरा ऑप्शन था संगठन कैसे विस्तार करें, ये अच्छी था और सब जानते हैं, बोलचाल की भाषा में उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, संबोध भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन समझ सकता हूँ चीज को। और क्या है, काफी उदाहरण अपने, क्या कहना चाहिए कि अपने अपने घरों में ही सब उदाहरण है, सब उदाहरण अपने घरों में ही है। संगठन कैसे करना है और इसका विस्तार कैसे करना है, सभी चीज अपने घरों में ही, और उसका हमारे कर्म, जैसे जैसे हम जो कहा जाता है कोठी चपुआ, जो हमारे कोठी जो ढोकनी है उसी के माध्यम सब उदाहरण बन रही। जैसे छोटे छोटे हर कण को इकट्ठा करके हम एक लोहा का रूप दे रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूँ इसको। आप उसको कितने धूप छा पानी कांटे और क्या रेत में चुभन, गर्म रेत में घूमने के पश्चात एकत्र काली रेत को एकत्र करने के बावजूद उसको छानना है, धोना है, उसके बाद अपने उपयोग में लाना है, तो काफी प्रयास करना पड़ता है, तब कहीं जाके संगठन तय हो पाती है और एकत्र हो पाते हैं, उससे एक गांठ बन जाती है, उसको हम गलाने के पश्चात उसमें वो रूप आकृति आ जाती है। यहाँ पर मैं अपने आप को मैं ये समझ रहा हूँ, जैसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपना सुरतिया तो दिखा रहे हैं पर काम नहीं दिख रहा है। सभी से अनुरोध है कि भाई, जैसे सुबोध जी बोले कि सभी को जोड़ना है, एक को जोड़े, एक को लाने के लिए, अरे एक को जोड़ते हैं, हम भी प्रयास किए, हम उस सक्षम योग नहीं हो जाते हैं तब तक अपना परिचय बताना नहीं चाहते मैं, कि जैसे किसी, मैं भी बहुत प्रयास कर रहा हूँ, आज भी खड़गवा गए थे वहां भी, और हमारे जिला अध्यक्ष शुक्ल प्रसाद जी से भी बात किया, बिल्कुल सर, राइट सर, मैं आज निश्चित मीटिंग में आऊंगा, एकदम गारंटी बात बोले, आप यहाँ खड़गवा से भी बोले, मैं बोला कि देखिए आप आइए, अब कहा जाता है कम से कम सुनिए, देखिए अपना शक्ल बताइए, बस यही करना रहता है वहाँ, लेकिन वास्तव में हम सब में कमी है, हम स्वयं, मैं अपने आप को कमी महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसे प्रयास हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं जैसे सबको संगठित कर सके। और क्या है कि इसी लोगों, ये भीड़ ही, हमारे जो समाज की भीड़ में जैसे सब मायूस के अंधकार फैला हुआ है,
मनुष्य की अंधकार फैला हुआ उसमें रोशनी कैसे डालें भाई। अब सबके हित सबके प्रयास सबके साथ ये सब होना है तो उसमें क्या है कि उम्मीद की जो रोशनी है वो काफी संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पर। और जैसे इसमें लोग आएंगे इसके लिए छोटा छोटा स्तर पर बैठक करें तभी हो पाएगा। और मीटिंग में जिससे कोई शाम तक थके हारे रहते हैं वो भी बहाना तो बहुत सारे हैं, किसको सामने लिया जाए वो कहा नहीं जा सकता, बहुत सारे हैं। और क्या है कभी कभी हर व्यक्ति के ऊपर राहु और केतु मंडराते रहते हैं, किसको कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, किसी को ठेले पर जाना रहता है किसी को और कहीं जाना रहता है, वो ज्यादा अनिवार्य रहता है। वास्तव में ये जो संघर्ष की ये शब्दांत तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसके मैं अपने लिए नहीं ये सबके हित की बात है, मैं अपने मान सम्मान के लिए इसमें जुड़ा हूँ, पूरी किसी के लिए कुछ नहीं करता, हम सब व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए ही करते हैं, हम हमारे जरिए किसी का भलाई हो तो कितना सम्मान की बात है, यही है। अब इसमें सभी जो जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं कहीं कहीं से दूर दराज से इक्का दुक्का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसको धीरे से स्वयं को जागरूक बन के हम एक प्रिंसिपल वर्कर की भांति प्रयास करें, हम किसी को आदेश ना दे के स्वयं मिलनसार कार्य में जुड़ जाएं, सूर्य अस्त और सूर्य उदय का ख्याल ना रखते हुए प्रयास करें, अपने रोजी रोटी समझ के तभी हो पाएगा अधिक संख्या में। और क्या है ये जैसे भी हो लोग आए या ना आए ये मीटिंग ऐसी चलते रहना चाहिए, मेरे ख्याल से चलते रहना चाहिए। चाहे जैसे आप हमारे पूर्वा अध्यक्ष महोदय जी से बात कर रहे थे, अब दो ही चार ही दिखाई दे रहे हैं तो चार दिखाई दे रहे हैं तो चार में से हम क्या कर सकते हैं, किस बात में चर्चा। मैंने बोला कि माइक चालू नहीं था, मैं बोला आइए सर आप लोगों के लिए दूध की चाय और ये अजवाइन ये क्या बोलते हैं इलायची डाला हुआ है, आइए चाय पी लीजिए, चाय का निमंत्रण है बोला। और ये क्या नहीं ऐसी और हमें क्या है कि चार ही लोगों की आवश्यकता होती है, अधिक लोग तो पीछे भीड़ की संख्या में चलते हैं, चार लोग आगे रहते हैं बस चार ही चाहिए सर। मैं और आगे क्या बोलते हैं संगठन को घर घर ले जाने की बात हुई है, ये निश्चित रूप से सबको अपना घर घर पहुंचाने की सोचना ही खानना ही पड़ेगा, सबको खानना पड़ेगा और सब अपने विचार और जैसे जहाँ भी जिस जिला जिस क्षेत्र के लोग हैं वो अपने अपने भाषा में वहीं भाषित करें और लोगों को सामने लाने की प्रयास करें। और मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जैसे भी है वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में वहाँ जाया जाए और फिर वहाँ संबोधित किया जाए। और सभी वैसे हमारे जसपुर क्षेत्र से भी सभी लोग जुड़े तो हैं पर मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, और बलरामपुर से भी काफी लोग जुड़े हैं पर मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, या तो ये क्या बोलते हैं यही एक मतलब क्या कहना चाहिए मायूसी के अंधकार में रोशनी हमें कैसे डालें, सभी खड़े हो जाते या तो आ जाते साथ में मिलते तो हो सकता है हम क्या कर रहे हैं उस सिद्धांत को और उद्देश्य को संगठित का निर्माण क्या कर रहे हैं वो चीज पता चलता सबको। और जैसे फोन के माध्यम से या तो बाजार है या कहीं किसी भी शादी पिकनिक पार्टी हर जगह जाते हैं वहाँ कम से कम उनका जुड़ना ना जुड़ना लेकिन हमारा बताना समझाना कर्तव्य रहेगा सर। मैं और अधिक तो जानकारी नहीं है किसी चीज का, बस धीरे धीरे आप हमारे गुरुजन हैं आपके बतावे रास्ते पर चलना हमारा कर्तव्य समझता हूँ, मार्गदर्शन बताते रहिएगा क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन आप प्रसन्न आप लोग वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी जो हैं आप सदा मुस्कुराते रहिए
वही हमारे भविष्य की कामनाएं हैं। आप ही मतलब रुखे सूरत में आ जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा भयनुमा महसूस होगी कि भैया हमने क्या गलत किया, क्या पाया, क्या खोया। ठीक है सर, इतनी कहना चाहता हूँ। आप सभी साथियों को मेरा तहे दिल से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जागीराम सर का। देखिए कितना अच्छा कहता हूँ। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सर, आपने बहुत ही शानदार बात का भी वो किया, प्रदर्शन किया है अभी सबके बीच में, और सभी को बहुत ही बेहतर संदेश आप दे के चले जा रहे हैं। मैं यही चाह रहा था कि आप यही संदेश दें, और बहुत ही शानदार विचारों को आपने वो किया। लेकिन सर जी, अभी आपने लास्ट में जाते जाते एक बात कही ना कि आपके चेहरे पर मायूसी न रहे। सर हमारे चेहरे पर अगर मुस्कान आती है तो आपके चेहरे को देखकर आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सामने कृपया शनिवार को आ जाएं। बस कुल मिला के यानी आप सभी सम्माननीय साथी, हमारे संपूर्ण भारत के अगरिया आदिवासी का ये जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, आपके चेहरे अगर आ जाते हैं सामने स्क्रीन पर तो बहुत ही प्रसन्नता लगता है। मतलब पूरे सप्ताह का जो थकान रहता है वो यहीं ख़त्म हो जाता है आपके चेहरों को देख करके, क्योंकि एक दूसरे से लगाव है। संगठन एक हमारा सामाजिक संगठन के साथ साथ ये हमारा एक परिवार भी है। हम भावनात्मक रूप से सभी साथी एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, जहाँ हम एक छत पर एक साथ अभी विचारधाराओं का आदान प्रदान हम लोग करते हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन सीख और शिक्षा मिली। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी साथी, मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ, हम सब सीखें आपकी बात से, और हम अपने अपने क्षेत्र में इसको फॉलो भी करेंगे। प्रयास यही है कि हम लोग अपने जिला स्तर पर छोटे छोटे ब्लॉक स्तरीय मीटिंग कर सकते हैं, ग्राम स्तरीय मीटिंग कर सकते हैं, वहाँ लोगों को संगठित करके समझा सकते हैं। देखिए ये संगठन अभी बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रहा है, इसका जो समय है ना अभी बेहतरीन स्थिति में है। अगर आप इसका फ़ायदा उठा ले गए तो आपकी जिला में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, मेरा मानना है। आपके जिले से जितने लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं उनके साथ आप मीटिंग करिए, बातें करिए, और अपने क्षेत्र में जब आप बातें करके उनको सकारात्मक कर देंगे, यहाँ वो आपको पहचानने लगेंगे कि हाँ भाई ये लोग हैं मेरे क्षेत्र में, सब लोग हैं, तो हम सब आप अपने ज़िले में संगठित कर पाएंगे, और ज़िले की जो गतिविधियाँ हैं बहुत ही बेहद रोचक हो जाएगी और बहुत ही सुगम भी हो जाएगा। इसलिए मेरा यही मानना है कि आपके ज़िले के व्यक्ति, हर एक व्यक्ति आपसे जुड़े, और आपसे जुड़ने के साथ साथ इस अगरिया समाज संगठन भारत के साथ आप सब एक साथ आएँ, क्योंकि हमारा जो इस संगठन का जो उद्देश्य और मकसद है वो यही है कि हर ज़िला को मजबूत बनाना है। संपूर्ण जिला में जो भी वहाँ से लीड कर रहे हैं तो वहाँ के समस्त व्यक्तियों को, समस्त कार्यकर्ताओं को, वहाँ के जिला अध्यक्षों के साथ बिल्कुल वहाँ अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जोड़ा जाए, जिससे कि उनका भी वर्चस्व बने, लोग उनको पहचानें, लोग उनको जानें। तो इस तरीके के साथियों, बहुत ही बेहतर तरीके से अभी हमारे सर ने इसका उद्बोधन किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।